खेती करते थे, चार प्रकार की फसलें उगाते थे, अपना जीवन यापन करते थे। आज हमें क्या मिला? आज हमें क्या मिला? इस भीड़ में जितने लोग आए हैं, जो तो जन आशे छे, हमें तुम्हारे संगे कथा करते जाए कि हमें क्या मिला, हमको क्या मिला? हमने तो सारा चीज लुटा दिया, कभी निर्मल के रूप में, कभी सुनील के रूप में, कभी शक्ति के रूप में, कभी बिरसा के रूप में, कभी रघुनाथ के रूप में, हमने तो सारा चीज लुटा दिया। कभी खेत खलिहान लुटा दिया, कभी जंगल पहाड़ लुटा दिया, बदले में हमको क्या मिला? इसलिए आज यदि हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ते हैं, जो 100 साल पहले हमारे साथ हुआ है, जो 100 साल पहले टाटा मानगो साक्षी सोनारी कदमा आदित्यपुर में हुआ है, आज घाटशिला गालुडी चाकुलिया इत्यादि जगहों में भी हो सकता है यदि हम नहीं लड़ते। यदि आज हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो क्या पता ये खुला मैदान जहां हम बैठे हैं ये भी हमारा रहेगा। इसलिए आज सबसे पहले स्पष्ट कहना चाहेंगे कि आज अगर पूरे भारत के मानचित्र में सबसे खनिज संपदा वाला राज्य कोई है तो झारखंड है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सबसे पिछड़ा राज्य भी हमारा झारखंड है, सबसे पिछड़ा राज्य। कारण क्या है? जब झारखंड राज्य सन 2015 नवंबर को बिहार के हिस्से से काट के अलग किया गया था, तो उस समय हमारे राज्य के प्रथम राज्यपाल माननीय प्रभात कुमार ने एक कथन कहा था कि जिन साधन संसाधन के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में पूरे भारत देश का, पूरे हिंदुस्तान का ये नंबर एक राज्य होगा। क्या आज झारखंड पूरे भारत का नंबर एक राज्य है? अभी तो नंबर एक नहीं, पीछे से नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार राज्य बना हुआ है। ये दुर्भाग्य हमारे राज्य का। तो कमी कहां रही? मिस्टेक कथाई कि भाई कमी कहां रही? कमी मुख्यतः दो तीन जगह रही। सबसे पहली शासन और प्रशासन में। जिस राज्य की शासन और प्रशासन की व्यवस्था ठीक नहीं होगी वो राज्य कभी तरक्की नहीं कर सकता है। शासन का मतलब राजा साहब आ जाए थे फिर निर्मल दा को माला चढ़ाने के लिए। जैसे ही राजा साहब आए, अब पता नहीं टाइमिंग एकदम परफेक्ट था, हम लोग उसी टाइम गए थे तो पुलिस हम लोग को रोक दिया। हम लोग भी लड़ाई झगड़ा नहीं किए, कहे करेंगे भाई जैसे सी आए। हम बोले सर देखिए राजा साहब का राज है, अभी सरकारी पद पर बैठे हैं दामाद बन के, फिलहाल उनका है, आपको जो करना है कीजिए, हम लोग पीछे हट जाते हैं। फिर राजा साहब माला चढ़ा के गए तो हम लोग गए। यानी शासन, शासन मतलब इस राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री, राज्य के विधायक सांसद ठीक होने चाहिए, तब राज्य का उद्धार होगा। ठीक कहाँ से होगा? हम लोग बोलते हैं कि अच्छी शिक्षा नीति है नहीं है, अच्छी नियोजन नीति नहीं है। अरे भाई उसके लिए पढ़ना लिखना होता है। प्रधान में 3 गो मिनिस्टर है, तीनों नॉन मेट्रिक है। आप बोलते हैं कि फला नहीं होता है, तीनटा मंत्री अच्छे एखाने एखाने এই কলহানের মাটি তিনটা মন্ত্রী আছে, তিনো ঠেপা ছাপ আছে। আর তুমি তুমি বলছি যে ঝাড়খণ্ডের ভালো নাই, কেমন ভালো হবে ভাই? তুমি বুঝাও তো আমাকে, তিনটা মন্ত্রী আছে, তিনটা অঙ্গা ছাপ আছে, একটা নারী আছে, তো আমি ওদের কাছে টিপাটিপি করবো নাই, কিন্তু একটা কুদরা ভূত একটা বন্যা এই খেপা ছাপ মিনিস্টার, এই খেপা ছাপ মিনিস্টার। और हम लोग बोलते हैं कि नियोजन नीति सही नहीं है, शिक्षा नीति सही नहीं है, जो लोग 5वां नहीं पढ़ा है। और पीएचडी वाला बोलता है कि अभी तक प्रोफेसर की बहाली नहीं आई, कहां से आएगी? इसलिए आज के हम एक घोषणा करते जाए, यदि हमारा 2024 से चुनाव फाइट करब तो हमारे जो कैंडिडेट अभ्यर्थी जो है वादर जो अहर्ता प्रथम हमें ग्रेजुएट, कम से कम ग्रेजुएट। यानी हमारे साथ अगर भविष्य में कोई इलेक्शन फाइट करेंगे तो बकायदा आज इस मंच के माध्यम से घोषणा करते हैं, यदि भविष्य में हम लोग विधायक सांसद के लिए चुनाव लड़ेंगे तो हमारी जो पहली योग्यता होगी, द फर्स्ट कैपेबिलिटी, वो होगी कम से कम ग्रेजुएशन। पढ़ा लिखा है नहीं, कैसे नीति बनाएगा बताइए? इसलिए हमारी पहली योग्यता होगी ग्रेजुएशन। दूसरी होगी हिम्मत वाला, हिम्मत वाला यानी टाटा से टकराने वाला, हिम्मत वाला यानी बीसीसीएल, हमारे धनबाद बोकारों में बीसीसीएल कोयला का खदान है, बीसीसीएल से टकराने वाला, बड़ी बड़ी कंपनियां
बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े माफिया, उनसे टकराने वाला। अब मान के चलिए हम पढ़ा लिखा चुन लिए, वो बीए नहीं एमए किया है, डॉक्टरी किया है, लेकिन जैसे ही दो दबंग सामने आके खड़ा हो गया और पीछे हट जाएगा, तो हमको भी वैसा लीडर नहीं चाहिए। हमको तब सुनील महतो जैसा जिगरा चाहिए जो गोली चले तो फिर से उठ के खड़ा हो जाए। याद है ना आपको सुनील महतो? लोग आंखों देखा।